एवरीवन, वेलकम टू द ब्लॉग। और आपको ना टाइटल पढ़ के समझ ही आ गया होगा कि हम लोग जा रहे हैं ऋषिकेश। तो अभी हम लोग घर से तो निकल चुके हैं, मतलब बहुत टाइम से सुबह सुबह निकल गए थे 5 बजे, और अभी हम पहुंच रहे हैं गांव में भैया भाभी को लेंगे। वहां से भैया भाभी और बच्चों को, और मेरा भाई जा रहा है मेरे साथ, वो भी हमें यहीं पर मिलेगा। तो लेट्स बिगिन द जर्नी। और ये छोटा बेबी बैठा हुआ है। ये सीखा भी देखो, देखो छोटा बेबी स्ट्रॉबेरी खा रहा है। तो हमने ना रास्ते में से ये कुछ स्ट्रॉबेरीज और लीची ली है, अभी खाते हैं। और आप क्या खाओगे? पिज्जा खाएगा, पिज्जा नहीं मिलेगा अभी। मैं खोल रही हूँ, रुक जाओ। कहना सर बब्बे को दे रहा है, कह रहे मुझे तो पिज्जा खाना है, मैं नहीं खाऊंगा। ये वाला खा के देखो, खाने नहीं सर, ये नहीं खाता, फ्रूट्स नहीं खाता कोई सा भी। एक केले को छोटी बीबी देखो कैसे लिया। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अभी बताएगा हमें। बस इतनी इलेक्ट्रिकल आती है, यही पर काम करता हूँ इसलिए बता रहा हूँ टूरिस्ट को। क्या बोल रहे, टर्बाइन टाइप है तो उसमें मोटर्स लगे। टर्बाइन टाइप नहीं हो, टर्बाइन ही होती है। चलो चली जाती है हमारे ट्रांसफॉर्मर, धूप हो गई यार, चलो चलो। हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे, एक रिसोर्ट, मतलब रिवर साइड रिसोर्ट है, कैंपिंग साइट है, वहाँ पे पहुँचे हैं। शिवपुरी से थोड़ा पहले है, बट इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मेरे जो एक्साइटमेंट था वो सारा अभी ज़ीरो हो गया है। और अभी देखते हैं, अभी तो जाके खाना खाएंगे, सोएंगे। यस बेटा, बालों को ठंड लग रही। अच्छा कैप पहननी है, एक मिनट। छिटकू बेबी है, हाँ सब लोग धूप में परेशान हो गए। यस बेटा, ये कटहल है ना भाभी? ये कटहल है ना? खाना पीछे पीछे पीछे। तो ऊपर पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके हम लोग नीचे आए हैं। ये कुछ ऐसा सा रास्ता है, चलो बेटी। थोड़ी सी मिट्टी घुसी, अंदर जाके निकालूंगी रूम में। और ये टेंट्स लगे हैं, हम लोगों ने एसी कॉटेज लिया है क्योंकि हमारे साथ बच्चे हैं। और क्योंकि ये बेडशीट ये अच्छी है ना, इसलिए सो जाएगा, वरना कहना का डर रहता है ये होटल्स में जाके उसको सोना नहीं होता उन बेड पे। तो ये हमारा रूम है, कुछ छोटा सा है, मतलब कॉटेज है, एसी कॉटेज। ये गेट है, गेट से अंदर घुस के देर इज दिस विंडो, बेड है। और क्योंकि हम ट्रिपल शेयरिंग कर रहे हैं, मैं, अमित और मेरा भाई, तो ये सोफा कम बेड है, इस पर वो लेट जाएगा। देन एक कूलर भी रखा है, एसी भी, दोनों चीज़। एसी किस लिए, मतलब कूलर किस लिए?
चलो ठीक है, अगर रात में लाइट चली जाए तो शायद एसी बैकअप उस पर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप नहीं है कुछ एसी के लिए। ये हमने थोड़े बैग अपने रख दिए हैं, हमारा बड़ा बैग कहाँ है, ये रहे। एंड यहाँ पे एक मिरर है, और ये छोटी सी कबर्ड है, डस्टबिन, ये बाथरूम तो अच्छा है, ये सिटिंग एरिया जो कि अब ऐसा बन चुका है। आपको अच्छा लग रहा है? सेम ही रूम भैया भाभी का है। जो काना को मारता है कान से नाराज होता है, इसलिए पापा से नाराज है। तो ये हमने रूम चेंज किया है, वो उधर सुपरा दूसरा भी। हाँ, दिखाया मैंने। अरे हाँ भाई, तकिया लेगा मेरा तो। तो यार उस रूम में ना काव्या एसी नहीं वर्क कर रहा था बहुत टाइम तक, एंड तो फिर एक दूसरा रूम लिया भाई, ये ट्रिपल शेयरिंग है। और अब बस वेट कर रहे हैं कि जल्दी से हमें लंच मिल जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, सुबह कुछ नहीं खाया था। हाँ अभी मिलेगा बेटा, अभी नहीं, जब वो बुलाएंगे ना, अंकल बुलाने आएंगे तब मिलेगा आपको, ठीक है। हेलो एवरीवन अगेन, और ऋषिकेश में मैंने चूज़ करी थी कैंपिंग, नॉट प्रॉपर कैंपिंग, बस मैं चाहती थी कि थोड़ा सा फील आए फॉरेस्ट का और रिवर के पास का, कहना चुप हो जाओ, थोड़ा सा फील आए फॉरेस्ट का और रिवर के पास का, जो कि नहीं आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि एक तो धूप है और कैंप साइट है, तो बहुत सारे कैंप्स, बहुत सारे रिजॉर्ट्स एक साथ बने हुए हैं, तो वो वाला थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है मुझे, बट स्टिल मैं आप लोगों को मैं शाम को दिखाऊंगी, ताकि देखने में थोड़ा सा ठीक ठाक लगे। अभी तो धूप की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और इतनी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है मुझे घूमने में। ये लोग मज़े करने में लगे हुए हैं दोनों, भैया और भाभी उधर है। तो रिसोर्ट थोड़ा सा इस टाइप का अभी दिख रहा है, मतलब ये हमारे रूम से हैं, ये सारे रूम्स बने हुए हैं, मोस्टली एसी सारे, मुझे लगता है सारे एसी कॉटेजेस ही है इस रिसोर्ट में। और इधर भी रूम्स है, भैया भाभी का रूम इधर है, ये एक गार्डन है, एंड खैर बहुत अच्छे पौधे पेड़ पौधे काफ़ी ज़्यादा हैं, और इनका किचन गार्डन भी, वहाँ पे एक किचन गार्डन है जिसमें बहुत सारे टमाटर, बहुत सारे पुदीना और बहुत सारी शायद गोभी लगी हुई है, वो वहाँ पे रेस्टोरेंट है। यहाँ पे ये डार्ट कर सकते हैं, सॉफ्ट आर्चरी, बैडमिंटन खेल सकते हैं यहाँ पे, बाकी और रैकेट्स वगैरह वहाँ पे टंगे हुए हैं। एंड ये एक झूला है और ये एक गेट है जो रिवर तक जाता है, रिवर मैं दिखा देती हूँ, वैसे काफ़ी ज़्यादा पानी है नहीं, थोड़ा सा ही पानी है रिवर में, रिवर में हम गए भी थे लेकिन वो पानी थोड़ा गंदा है, शाम को जब जाएंगे दोबारा से तब मैं और दिखा दूँगी, बट हाँ आसपास का मौसम अच्छा है, आसपास का लोकेशन थोड़ी अच्छी है, इधर की तरफ अगर हम देखें यहाँ से तो ये लोकेशन काफ़ी अच्छी है, पहाड़ वहाड़ है। तो यहाँ पे हमारा तीनों टाइम का मील है, क्योंकि आसपास कोई मार्केट या कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम बाहर खाना खाने जा सके, तो अभी वो लंच के लिए बुला रहे आते तो हम लंच के लिए चलते हैं। शूज बाबा को शूज पहना दो पापा, चलो पहले खाना खाएंगे, पहले खाना, इनको तो मजे आ रहे हैं, इसको तो मजा ही आ जाता है, घूमने जाओ इसको पूरे मजे आ जाते हैं। ये यहाँ का रेस्टोरेंट है, आप ही कर लो हैंड वॉश। अभी हम लोग निकले हैं यहाँ से, निकलेंगे मतलब इट्स 4:30 इन द इवनिंग, और क्योंकि हमको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग नहीं रहा था तो हमने सोचा कि एटलीस्ट हम गंगा जी तक तो जा ही सकते हैं, इवनिंग में करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है अदरवाइज़, तो हम लोग जाएंगे, यहाँ पे एक है गोवा बीच, हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, और फिर उसके बाद इवनिंग में हमें लगता है हमारा स्नैक्स भी यहाँ पे है इवनिंग का, तो वो हमारा शायद से छूट जाएगा, पर ठीक है, मतलब लंच भी कुछ ज़्यादा खास था नहीं, तो हम लोग जाएंगे वहाँ पे, तो और वहाँ पे डुबकी लगाएंगे गंगा जी में और वहाँ पे दिखाते हैं कि कैसा लगता है। काना तो अभी सो ही रहा है, तो उसको सोते सोते ले जा रहा है, क्योंकि सुबह भी जल्दी का उठा हुआ है ना, उसको नींद आ रही है, उठाएंगे तो रोएगा, इसलिए उसको ऐसे ही लेके चलते हैं।
इसको तो शाम को यहाँ पे खेलना होगा और पता नहीं रिवर में जाके खुश होगा कि नहीं होगा। अच्छा टेंट्स नहीं लिए, देखना टेंट्स की तो हालत बहुत ही खराब है। वी हैव रीच्ड दिस प्लेस, दिस इज कॉल्ड गोवा बीच। और जब हम शिवपुरी से आते हैं तो ये ना गाड़ियाँ नीचे नहीं ले जाने दे रहे हैं। अभी नीचे जाके दिखाऊंगी। ये एक रास्ता है जो ऊपर मेन रोड से नीचे आ रहा है एंड काफ़ी स्लोपी है, बहुत ज़्यादा स्लोपी है। तो हाँ नीचे ही देख रही हूँ, तो काफ़ी जंगल के बीच से, क्योंकि मेन उधर है उधर, बट हमारी गाड़ी उधर से बहुत ऊपर से जाती है इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा घुमाई नहीं गाड़ी और इधर से ही आ गए। यस बेटू, हाँ नीचे देख के चल रही हूँ, मेरे बेबी कह रहे नीचे देख के चलो। इधर नीचे है ये, इसको गोवा बीच इसलिए कहते हैं बिकॉज यहाँ पे ना रेत काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो सैंड पार्टिकल साइज है वो बीच की पार्टिकल साइज से मिलता है। इट्स ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे नहाने वाने के लिए मना करा हुआ है क्योंकि यहाँ पे पानी वो है गहरा है, उस साइड उस बीच पे नहा सकते हैं। ये राफ्टिंग हो रही है, लोग राफ्टिंग करते हुए जा रहे हैं। ये लिखा हुआ है डूबने के लिए खतरा। एंड दिस इज सैंड। कहीं जैसी है बल्ब, वाइट वाइट बल्ब होती है, ये बर्फ जैसी लग रही है। काना कह रहे हैं वाइट वाइट बर्फ होती है, काना को बर्फ जैसी लग रही है। नहीं सच में बहुत अच्छी सैंड है। और अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं नीचे। लोगों ने हमें बताया, मतलब ऊपर पुलिस वाले अंकल थे, उन्होंने बताया कि हम यहाँ पे पानी का बहाव कम है तो यहाँ पे हम नहा सकते हैं। ऑब्वियसली गंगा जी में डुबकी तो लेंगे ही लेंगे। काना मना कर रहा है, इतना ठंडे में कौन नहाएगा? तुम्हें ही नहाना था ठंडे ठंडे पानी में। ओ यार पानी बहुत ज्यादा ठंडा है भाई। पापा को काना तो बस किनारे से पत्थर ही मार रहा है। ये देखो चुटकी भी चुटकी हुई है। बहुत ठंडा है। थोड़ा छोटा फेंकते हैं, पांच से ना लिया बहुत, इतना ही बहुत है। और हम तो किनारे पे खड़े हुए हैं क्योंकि हमको तो बहुत ठंडा पानी लग रहा है, बहुत ठंडा। अब भाई पीछे सुन होगा कोनी काना नहीं गुजरा, खाने बेचारे कपड़े इकट्ठे कर रहा है। तो लाइक करियो इसे जल्दी एक मिनट जी, मैं टोनी भी जा रहा है नहाई करने। हम बाद में जाएंगे, बाद में जाएंगे, बाद में जाएंगे। ठंड नहीं लग रही क्या? एक ये बच्चा है जो बीच में जाके बैठा है गंगा जी में, एक ये बच्चा है जो किनारे से आगे ही नहीं जा रहा है। ये देखो भैया ने क्या ढूंढा यार, गंगा जी में आप ऐसे ऐसे डाल देते हो फिर वो हमें चुप जाता है। अभी तुम्हें चुप था, तुम लेट रहे थे। मेरे पास बढ़िया है यार, मजा आया।
तो हो गया सबकी नाई नाई, अब वापस जा रहे हैं। और अच्छा लगा आके, एटलीस्ट थोड़े से, हाँ थोड़े से पैसे वसूल लग रहे हैं अब कि हाँ चलो आए हैं तो कुछ तो करा ही। बाकी कल ऋषिकेश में घूमेंगे, अभी तो हम ऋषिकेश से थोड़ा से 12 किलोमीटर आगे आए हैं, तो कल ऋषिकेश जाएंगे, कल देखते हैं। यार स्ट्रगल है, गीले होने के बाद तो ऊपर चढ़ा ही नहीं जा रहा भाई। चलो भव्य, नहीं चढ़ा जा रहा। आउच, चलो चलो भव्य, फंस रहा है भव्य, अभी चढ़ा नहीं जा रहा। वो लोग हमसे पहले पहुंच गए। सच में स्नो जैसा नहीं लग रहा भाभी, ऐसा लग रहा है ना अगर मतलब रेत ना देखे, मतलब क्या बोलते हैं, वैसे पता ना चले तो वाइट वाइट एकदम स्नो जैसा लग रहा है। ब्यूटीफुल, अब तो बहुत सारे लोग आ गए, शाम हो गई ना। चलो चलो चलो, यहाँ मैगी बनवाई है बच्चों के लिए और अमित के लिए और टोनी के लिए, हम तो नहीं खाते हैं। ये इवनिंग वाइब है यहाँ पे, काफी अच्छा लग रहा है। अभी हम यहाँ पे बैठेंगे, तो अब शाम के टाइम वाइब थोड़ी अच्छी आ रही है यहाँ रिसोर्ट में, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। अब लग रहा है कि हाँ ठीक है, जो भी सेलेक्ट किया थोड़ा ठीक था। दिन में एक तो धूप इतनी थी ना, इतनी गर्मी थी ना, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे स्नैक्स वगैरह और चाय वगैरह है सब लोगों की, इन्होंने अलग अलग ऐसे टेबल्स लगाई है जितने भी गेस्ट हैं। वहाँ पे थोड़ा म्यूज़िक चल रहा है, ऐसे टेबल्स लगाई हैं, वहाँ पे चाय रखी हुई है उधर, एंड ये अमित आ गए हैं। अब अच्छा लग रहा है ना बहुत, अब तो ये बहुत सुंदर लग रहा है। तुम गीले में कपड़े बदल के आ जाओ एक बारी, तुम नहीं बदलोगे? ठीक है, मैं बदल के आ रही हूँ, तब तक खाना बैठा है, आइसक्रीम खा रहा है। ओके रहा। अभी ये इवनिंग स्नैक्स के लिए आया है, अच्छा है, अभी हमारा भी आएगा। फ्रेंच फ्राइज है, चने की चाट है, भूख लगी है मम्मी। भैया एक प्लेट और चाहिए थी। एंड बहुत अच्छी वाइब हो रखी है यार, आलम तो ऐसे बैठे हुए हैं, काला गोदी से ही नहीं उतर रहा। उधर बैठो ना अपनी चेयर पे आप, पापा की दूसरी चेयर मंगा देंगे हम, इसलिए नहीं बैठ रहे दूसरी चेयर पे कि पापा की जगह नहीं बचेगी, एक चेयर और मंगा देंगे पापा की। ओके, तब तक स्नैक्स कंपैरेटिवली बहुत अच्छे हैं, लंच खा के तुम्हारा मूड खराब हो गया था। हो गया, ये आधा है क्या? नहीं ये पूरा है। तो ये ऐसे खड़ा कैसे? अच्छा उसके अंदर घुसा दिया एक चेयर के। ये पहाड़ी केला है, कितना मोटा है। तो ये मिल रहा है स्नैक्स में, अंकल ने स्पेशली दिया। पेट टूट गया उस तरह। अच्छा पेट टूट गया केले का, तो ये केले के पेड़ पे ऐसा मोटा केला लगा हुआ था। काना सुबह से फ्रेंच फ्राइज मांग रहा था, फाइनली इसको मिल गई है। तुम तो क्या कहते हो, रही बात है अच्छी है। काना को मूंछ भी लग गई, ये आइसक्रीम खाने से लगी। कहाँ पे जाओ?